ये तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और लोकेशन ऑफ रूट्स आप डिस्कस कर रहे थे कल, दो सिचुएशंस दो केस पर अपन ने डिस्कशन किया लोकेशन ऑफ रूट्स में। आज दो और कंडीशंस अपन इसमें पढ़ेंगे, टोटल चार कंडीशंस हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, सो आज आपका जो है लोकेशन ऑफ रूट्स और भी पक्का हो जाएगा। कल कुछ हद तक आपको समझाने का कोशिश किया, आज लगभग पूरा कोशिश है कि लोकेशन ऑफ रूट्स का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। कल जो आपने पढ़ा दो सिचुएशन, पहले एक बार उस पर अपन नजर डाल लेते हैं, उसका रिवाइज कर लेते हैं, और फिर थर्ड और फोर्थ सिचुएशन आज अपन डिस्कस करेंगे, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। तो कल आपने जो फर्स्ट सिचुएशन देखी, वो फर्स्ट सिचुएशन में जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स किसी नंबर डी से बड़े हों, ये नंबर डी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कहीं भी हो सकता है, ये है हमारा डी, और यदि ये डी आपका अल्फा और बीटा इन दोनों रूट से छोटा हो, मतलब व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन दिस नंबर डी, तो इस ग्राफ की दो सिचुएशंस हो सकती हैं। जब ये पॉजिटिव होगा तो ओपन अपवर्ड होगा, और केस ऐसा भी बन सकता है कि व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर डी तो ग्राफ आपका ओपन डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये है रूट्स अल्फा और बीटा, और ओपन डाउनवर्ड सिचुएशन में ए आपका लेस देन जीरो। तो दो सिचुएशन फर्स्ट केस में आपने बनाई थी, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर डी तो यही दो सिचुएशन बन सकती हैं, क्योंकि ए आपका जीरो नहीं हो सकता, ए जो है वो ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो आप ये ग्राफ प्लॉट करें हैं, ये ग्राफ आपका वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, ये वाला जो ए है ये जीरो नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक की रिस्ट्रिक्शन के कारण। तो ये आपका या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो दो ही शेप बनाएगा, और जब दोनों रूट्स किसी नंबर डी से बड़े होते हैं तो यहाँ पर जो ओवरऑल आपने कंडीशन लिखी है वो ये लिखी है कि आपका जो कैपिटल डी का वैल्यू होगा डिस्क्रिमिनेंट, वो कैपिटल डी आपका जीरो या जीरो से बड़ा होगा। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन, ये जो आपका डी है ये हमेशा स्मॉलर देन बी अपॉन ए होगा, माइनस बी अपॉन टू ए होगा। एंड दी थर्ड एंड लास्ट सिचुएशन कि ए और एफ डी, मतलब डी पर वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस केस में भी डी पर वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ए पॉजिटिव है और डी पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, और यहाँ ए नेगेटिव है और डी पर फंक्शन का वैल्यू भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। तो दोनों भी सिचुएशन में ये जो तीन कंडीशन बनती है, ऑल दीज थ्री कंडीशन सेटिस्फाई बोथ दी सिचुएशन, एंड When the both the roots are greater than number d, तो हम questions को ये condition लेके further solve कर देंगे। Question कैसे आते हैं इस पे, तो वो आपने कल देखा था कि आपको इस तरीके का कोई quadratic देंगे, quadratic में कोई unknown k डाल देंगे, तो वो k का value आपको निकालना है। तो तीनों condition simultaneously solve करिए, पहली condition, फिर दूसरी condition, फिर तीसरी condition, और जो डी की मोस्ट कॉमन वैल्यूज होंगी जो तीनों भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो कल हमने ये फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी, दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर डी।
जब दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े हो जाएं। तो दिस इज द कंडीशन व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन नंबर डी। ये क्वेश्चन में दिया जाता है किस नंबर से बड़े हैं। तो ये जो डी आपको क्वेश्चन में, जैसे कल क्वेश्चन में आपको 5 दिया था ये, तो आपको इस 5 पर इसका वैल्यू निकालना है। यदि आप x की जगह पर 5 डालेंगे तो ये जो भी आएगा उसको अपन एफ डी बोलेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये फर्स्ट सिचुएशन थी जो कल आपने डिस्कस करी, और अपन सेकेंड सिचुएशन को भी रिवाइज कर लेते हैं। एक स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नाउ हियर वी डिस्कस द सेकेंड सिचुएशन, द सेकेंड केस, जब आपके दोनों रूट्स किसी नंबर डी से छोटे हो जाएं, मतलब डी अब एकदम लेफ्ट में आने के बजाय एकदम राइट में आ जाए, तब क्या होगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन अवर इज सेकेंड केस। अब आप देखिए, तो इतना चेंजेस मैंने किया है सेकेंड केस में। यहां पर अपन ग्रेटर देन की जगह पर लेस देन वर्ड डाल देंगे, ये अपन सेकेंड केस पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर डी, जब दोनों रूट्स किसी नंबर डी से छोटे हो जाएं, तो अब आपका डी यहां पर आपको नहीं दिखेगा, डी यहां आएगा। ये है हमारा डी सेकेंड सिचुएशन में, और थर्ड सिचुएशन में डी हमारा, सॉरी, इसी सिचुएशन में सेकेंड केस बोथ दी रूट्स आर लेस देन अ नंबर डी। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये एस सच रहेगा, चूंकि ये पॉजिटिव है ग्राफ ओपन अपवर्ड के कारण, और डी पर वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आप लगाते हो, तो डी पर वैल्यू यहां भी पॉजिटिव, तो ये पूरा एस सच रहेगा, बस डी उठ के यहां पर आ गया। और इस सिचुएशन में भी आप देख रहे हैं ग्राफ ओपन डाउनवर्ड है, इसलिए ए नेगेटिव, और डी पर भी वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो ये पूरी बातें एस सच बनी रहेंगी, यहां पर कहीं भी कोई चेंजेस नहीं आता है। अब जो चेंज आता है वो आता है कंडीशन में, पहली और थर्ड कंडीशन रिमेन सेम, बस सेकेंड कंडीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि डी लेफ्ट साइड से राइट साइड में, गुड मॉर्निंग, लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ गया है डी, और इसलिए अब अपना जो डी है, केवल ये एक सिचुएशन जो है ये बार एक चेंज होती है, यहां पर लेस देन की जगह पर ग्रेटर देन वर्ड आता है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन में आपने बस इसको सॉल्व करना है, डी ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए, बाकी डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये सच रहेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्ट भी पॉजिटिव देगा। तो थर्ड सिचुएशन भी सेम है, तो दीज टू कंडीशन रिमेन सेम, केवल सेकेंड कंडीशन चेंज होती है इसमें, क्योंकि डी एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट में आ गया। जब डी उठ के यहां से यहां पर आ जाएगा तो डी का वैल्यू सबसे बड़ा हो जाएगा, तो डी माइनस बी बाई टू ए से भी बड़ा होगा। तो ये सेकेंड केस जो अपन ने कल डिस्कस किया था, व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर डी, ठीक है, दिस इज सेकेंड सिचुएशन। इसका स्क्रीन शॉट ले लें। कल आपने लोकेशन ऑफ रूट्स के ये दो केसेस डिस्कस करे, आज अपन अगली बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, थर्ड सिचुएशन, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सेकंड केस का। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स थर्ड सिचुएशन, थर्ड केस, व्हाट हैपन जब थर्ड केस अपना ये है कि जब आपका ये जो रूट है डी, ये डी दोनों रूट्स के बीच में लाई कर जाए, मतलब अभी मैंने डी आपका एक्सट्रीम लेफ्ट में लिया, अब डी एक्सट्रीम राइट में लिया दूसरे केस में, अब मैं डी अल्फा और बीटा के बीच में कहीं भी डाल रहा हूं। तो इफ नंबर डी लाइज बिटवीन द रूट्स, थर्ड केस हमारा ये है, व्हेन आवर डी सो दिस इज द थर्ड सिचुएशन जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड केस,
केस थर्ड डाल लीजिए इसको, केस थर्ड, और थर्ड केस के कंडीशन ये है कि वैन ए नंबर डी lies between roofs. तो अब जो आपका नंबर है वो दोनों रूफ के बीच में गिर जाए, तो यहां से हटा देता हूं मैं और यहां से भी हटा देता हूं. अब देखिए सिचुएशन क्या बनेगी. ये अपने x एक्सिस y. सो हियर वी गिवन दैट कि व्हेन द रूट लाइज बिटवीन, सॉरी व्हेन द गिवन नंबर d लाइज बिटवीन द रूट. तो अब जब आपका बिटवीन आ जाएगा रूट, मतलब यहां पर कहीं आएगा जो d का वैल्यू है, यहां पर कहीं अपन ले ले. अब देखो d आपको बोला है कि अल्फा और बीटा के बीच में, तो d का जो पोजीशन है वो आप यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं भी रख सकते हो. डी बिटवीन रूट्स बोला है, बस वो अल्फा और बीटा के बराबर नहीं होगा, अल्फा और बीटा के बीच में कहीं भी आ सकता है डी का पोजीशन. आप इनमें से किसी भी पोजीशन पे आप अपना डी रख सकते हो, ये डी की पोजीशन है. एंड सिमिलरली डी आपका हमने यहाँ पर ले लिया कहीं भी. सो व्हेन A number lies between both the roots. तब आप देखिए first condition में क्या changes आता है, क्योंकि अब दो roots के बीच में एक number आ गया और इसलिए अब आपके दोनों roots distinct जरूर होंगे. जैसे मतलब ऐसी situation है कि roots आपके 1 और 3 है और number आपको दिया है 2, है ना. तो जो नंबर है वो जब दोनों रूट्स के बीच में आएगा तो दोनों रूट्स बराबर नहीं हो सकते. दोनों रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे. और इसलिए यहां पर पहला जो चेंज आएगा वो ये है कि दिस कंडीशन ओनली ग्रेटर देन जीरो होगी, अब इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इक्वल टू जीरो का मतलब है रूट्स रियल और इक्वल हो जाएंगे. तो फर्स्ट कंडीशन में ये चेंज आएगा कि डी आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, इक्वल टू का साइन हट जाएगा. सेकंड थिंग, ये वाली कंडीशन जो है वो पूरे तरीके से डिलीट हो जाएगी. ये कंडीशन आती ही नहीं है, ये कंडीशन पूरे तरीके से डिलीट हो जाएगी, क्योंकि डी आपके इसके बीच में आ गया और आपको डी बोला जो है वो यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है और माइनस बी बाई टू ए का पोजिशन फिक्स है. माइनस बी बाई टू ए वर्टेक्स से आता है, मतलब ये पोजीशन होगी अपनी माइनस बी बाय टू ए की, ठीक है. आपका माइनस बी बाय टू ए यहां पर होगा, दिस इज योर माइनस बी बाय टू ए. तो इसलिए अब आप ये नहीं बोल सकते कि आपका गिवन नंबर माइनस बी बाय टू ए से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है. यदि आपको बोला है कि अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा है, तो अल्फा और बीटा के बीच में का मतलब सेंटर में नहीं होता, वो कहीं भी हो सकता है. तो इसलिए d माइनस बी बाय टू ए के इस तरफ भी आ सकता है, d इस तरफ भी आ सकता है और d माइनस बी बाय टू ए के बराबर भी हो सकता है. तो इसलिए ये जो कंडीशन है ये पूरे तरीके से डिलीट हो जाती है, ये कंडीशन आती ही नहीं. और अब अपन बात करेंगे थर्ड और लास्ट केस में कि इस पे क्या फर्क गिरेगा. तो अब आप देख रहे हो कि आपकी जो d पर वैल्यू है इस पर्टिकुलर केस में वो आएगी नेगेटिव, क्योंकि साइन कैसा लगाते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अल्फा बीटा के बीच में किसी भी नंबर पर वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव. तो यदि मैं डी इसको मान लूं तो डी पर अपनी वैल्यू कैसी आएगी, बिलो दी एक्स एक्सिस आएगी, नीचे जाएगा, मतलब एफ डी यहां पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव. और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डी पर वैल्यू आपकी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसलिए एफ डी आपका यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव. ये साइन चेंज हो जाते हैं, एफ डी पॉजिटिव आएगा, ठीक है. सो यहाँ पर आप देखो तो ये कंडीशन में क्या चेंज आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है.
इसलिए ए इंटू एफ डी का वैल्यू कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा. सो ए इंटू एफ डी इज नेगेटिव. तो ये दो सिचुएशन में चेंजेस आते हैं और सेकेंड सिचुएशन पूरे तरीके से डिलीट हो जाती है, सेकेंड सिचुएशन आपको मिलेगी. तो जब भी आपको बोला जाएगा कि व्हेन अ नंबर लाइज बिटवीन रूट्स, तो आपने दो ही कंडीशन लगानी है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड ए इंटू एफ डी इज नेगेटिव. ए और एफ डी का जो प्रोडक्ट आएगा वो अब नेगेटिव आएगा. अभी तक की पहली दो सिचुएशन में ए एफ डी का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा था, बट इन दिस केस ए और एफ डी का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक. सो दिस इज अवर थर्ड सिचुएशन, नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. आपको मेनली जो है ये सब कुछ ध्यान में नहीं लाना, आपने कंडीशन याद होनी चाहिए. सिचुएशन के बाद ये कंडीशन पता होनी चाहिए, ये सिचुएशन में कंडीशन क्या लगती है. तो पहली दो सिचुएशन में जब बोथ दी रूट्स ग्रेटर देन अ नंबर एंड बोथ दी रूट्स लेस देन अ नंबर, तो तीन तीन कंडीशन थी. बट व्हेन नंबर लाइज बिटवीन दी रूट्स, तब आपकी दो ही कंडीशन बचेंगे. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. तो दिस इज अवर थर्ड सिचुएशन. अभी अपन इस पे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी. और अब फोर्थ और लास्ट सिचुएशन अपन डिस्कस कर रहे हैं. फोर्थ और लास्ट सिचुएशन में सर मैथमेटिक बाहर हो गया था. ओके. फोर्थ और लास्ट सिचुएशन अपन एक बार पूरी फिर से लिखेंगे. पूरा मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ और उसके बाद मैं पूरा लिखूंगा ताकि आपका एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए. ठीक है, तो थर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए. टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. ओके. नाउ हियर वी डिस्कस दी फोर्थ एंड लास्ट सिचुएशन. देखिए वो सिचुएशन क्या है, पूरी एक बार मैं फिर से बना रहा हूँ ताकि आपका पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाए. So fourth and last situation. So this situation is the case 4 अपन ले रहे. और इस situation में आपको बोला गया है कि when exactly one root lies in interval k1 comma k2. एग्जैक्टली वन का मतलब है दो रूट्स हैं, दोनों में से कोई एक, एक बार में कोई एक, एग्जैक्टली वन रूट इस इंटरवल में लाई करना चाहिए. तो अभी तक आपको एक नंबर दे रहे थे कि दोनों रूट उस नंबर से बड़े हैं, दोनों रूट उस नंबर से छोटे हैं, वो रूट दोनों नंबर के बीच में आ रहा है, सॉरी वो नंबर वो दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है, तीसरी सिचुएशन. अब चौथी सिचुएशन आपको बोल रहा है वो नंबर की जगह डी की जगह पर मैंने एक इंटरवल दे दिया कि अब आपके जो दोनों में से कोई भी एक रूट है वो यदि इस इंटरवल में लाए करे. ये इंटरवल क्वेश्चन में आपको दिया जाता है. जैसे मैं आपको बोलूं कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल 2, 3, ऐसा ये नंबर आपको K1 K2 कोई दो नंबर देंगे, क्वेश्चन में दिया जाएगा ये. तब सिचुएशन क्या होगी, तब कंडीशंस क्या होंगी इस पर बेस, वो आप देखिए. व्हेन दोनों में से कोई भी एक रूट किसी इंटरवल में लाइक है, तो देखिए
तो पहली बार में तो मैंने ग्राफ ओपन अपवर्ड बना लिया। अब जैसे ही आप इसको ओपन अपवर्ड बनाते हो तो यहाँ लिख लिया करो कि ए पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसके दो रूट्स हैं, वो दोनों रूट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रूट्स हैं इनके, जहां पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। और दूसरी सिचुएशन क्या है, दोनों में से एक बात में कोई एक ही बनेगी, ये तो आप जानते हो। दूसरी सिचुएशन ये है, ग्राफ ओपन डाउनवर्ड बनाया इसलिए नेगेटिव लिख दिया, और रूट्स आपके ये हैं अल्फा और बीटा, ये इनके रूट्स हैं। अब कंडीशन आपको ये बोली है कि दोनों में से कोई भी एक जो आपको पसंद हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक रूट इस इंटरवल में लाई किया जा रहा है। तो अब ये ऐसी सिचुएशन है, दिस इज अवर इंटरवल K1 कॉमा K2, ये है इंटरवल। दोनों में से कोई एक रूट इस इंटरवल में लाई करता, सेम इंटरवल इस पे लगा देता हूं K1 कॉमा K2। जरूरी नहीं है अल्फा हो, बीटा भी आपका हो सकता है। वो क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि अल्फा K1 K2 में लाई कर रहा है कि बीटा K1 K2 में लाई कर रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। सो दिस इज अवर नेक्स्ट सिचुएशन। अब मैंने स्मॉल डी वो नंबर की जगह पर एक इंटरवल लिया है K1 K2, और अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि K1 और K2 इस इंटरवल में दोनों में से कोई एक रूट लाई कर रहा हो, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल K1 कॉमा K2, तो द फर्स्ट थिंग इज दैट दोनों के लिए कॉमन है ये सिचुएशन जो मैं आपको लिख रहा हूँ कंडीशन, इसलिए बिल्कुल बीच में लिख रहा हूँ, दोनों को सेटिस्फाई करती है। तो इसमें जो पहला केस बनेगा कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा कैपिटल डी वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि रूट्स डिस्टिंक्ट आपको लेने पड़ेंगे, बराबर ले नहीं सकते क्योंकि एग्जैक्टली वन बोला है, कोई एक ही रूट लाई कर रहा है, तो इसका मतलब दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होना जरूरी है। तो इसलिए अपना डी जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, डी ओनली ग्रेटर देन जीरो होगा। डी आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, और किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए डिस्क्रिमिनेंट आप बी स्क्वायर माइनस 4ac से कैलकुलेट करते हो। तो ये आपका डी हो गया फर्स्ट सिचुएशन। अब सेकेंड आप देख रहे हो कि साइन जब आप लगाते हो ना, तो इस पूरे एरिया में साइन पॉजिटिव होगा, इतने एरिया में नेगेटिव होगा, और इतने एरिया में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब K2 पे साइन कैसी आएगी, मतलब ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं K1 और K2, तो K1 पर और K2 पे साइन कैसा मिलेगा। तो आप देख रहे हो K2 पे साइन नेगेटिव आएगा, और K1 पे साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये K1 पे साइन, मतलब दोनों के साइन कैसे आ रहे हैं अपोजिट। आप यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पर यदि K1 पे आप वैल्यू निकालोगे तो कैसी आएगी, नेगेटिव, और K2 पे वैल्यू निकालोगे तो K2 पर वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो दोनों भी सिचुएशन में चूंकि वो रूट के दोनों तरफ लाई कर रहे हैं, और जब दोनों तरफ लाई कर रहे हैं तो साइन अपोजिट बनाएंगे, और अपोजिट साइन बनाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि K1 पर अपने क्वाड्रेटिक की वैल्यू और K2 पे क्वाड्रेटिक की वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो आपका कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि साइन अपोजिट है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी और लास्ट कंडीशन वो ये है कि एफ ऑफ K1, मतलब K1 पर अपने क्वाड्रेटिक की वैल्यू, और एफ ऑफ K2 पे अपने क्वाड्रेटिक की वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सो आपने देखा ओवरऑल अभी तक कि फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट केस में तीन कंडीशन थी, सेकंड केस में भी तीन कंडीशन थी, थर्ड केस में दो ही बची, फोर्थ में भी दो ही है, ठीक है। एफ ऑफ K1 का मतलब K1 पर क्वाड्रेटिक की वैल्यू है। हाँ सर, ऑटोमेटिक सर क्लास के बाहर हो जा रहे सर। बेटा नेट का इशू होगा तुम्हारा, बाकी बच्चे हैं ना यहाँ पे, ठीक है दादू। चलिए, सो
अब यहाँ पर क्या है, के वन और के टू पर साइन आपको कैसे मिलेंगे, अपोजिट, इसलिए इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एफ के वन का मतलब क्या है, ये जो होता है ना, ये किसका ग्राफ है, ये अपना वाई बराबर एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है। तो यदि मैं इसका के वन पर वैल्यू निकालूंगा, एफ के वन, तो के वन पर वैल्यू क्या होगी, तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आपके और थोड़ा ध्यान में आ जाए कि एफ के वन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये जो बाउंड्री पॉइंट आपको दिया होगा वो वैल्यू यहां डालनी है, मतलब के वन पर इसका वैल्यू आपको निकालना है क्वाड्रेटिक का। तो एफ ऑफ के वन क्या होगा, एक्स की जगह पर के वन लिख दो, तो क्या बनेगा ये, ए के वन स्क्वायर प्लस बी के वन प्लस सी, और एफ के टू क्या होगा, तो एफ के टू होगा ए के टू स्क्वायर प्लस बी के टू प्लस सी। ये है एफ के वन और एफ के टू की वैल्यू। तो आपको ये वैल्यू उसका प्रोडक्ट कैसा करना है, नेगेटिव करना है। तो मेनली जो ओवरऑल अपने काम का है वो ये पूरी चीजों में, पूरी बातों में कंडीशंस आपने ध्यान में रखनी है और उस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट आते हैं वो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दिस इज फोर्थ सिचुएशन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ वी यूटिलाइज दीज कंडीशंस इन सम क्वेश्चंस, तो आपको और ज्यादा रियलाइज होगा सिचुएशन, ठीक है, अपने आप को और आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें फोर्थ केस का, और कोई आपको डाउट है इतनी बातों में तो पहले पूछ लें। चारों बातें आज मैंने आपके साथ रिवाइज करी, लेकिन इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, अभी भी कोई आपको थ्योरी में डाउट है तो वो आप पूछिए। चलिए, जैसा आपको बोला कि आप जब क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। सो हियर वी टेक सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, देखो आप सभी लोग आप ध्यान से, धीरे धीरे आपके ध्यान में आती जाएंगे अब कंडीशन। तो ना दिस इज मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। तो जो आज आपने एक कंडीशन पढ़ा था कि जब कोई नंबर थर्ड की फर्स्ट और सेकंड पे, तो कल आपको एक सवाल बताया, एक थर्ड पे अपन ले लेते हैं, ठीक है, कि जब कोई नंबर दोनों रूट के बीच में गिरेगा तो उस पर क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करें। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने आई होप। चलिए, तो नेक्स्ट सिचुएशन इज सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस क्वेश्चन, आप सभी लोग पहले लिख लें। क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस ए। देखो यहां पर ए अननोन दिया है, जब अपन ने पहला क्वेश्चन किया था उसमें के अननोन था, यहां पर ए अननोन है। एंड अल्फा लेस देन वन लेस देन बीटा देन, देखो ये कंडीशन आपको दे दी कि जो नंबर आपको दिया है वो कल फाइव दिया था, आज वन है, वन दोनों रूट के बीच में लाई करता है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से टू होगा, जिन बच्चों का आ रहा है
वो आंसर कर सकते हैं जब तक ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 9/4 आएगा, थर्ड ए बिलोंग्स टू 2 से 9/4 आएगा, 2 से 9/4, 9/4 पे क्लोज इंटरवल है, या फोर्थ ऑप्शन है कि इनमें से कोई भी नहीं आया है, नन ऑफ दी। तो दिस इज अवर क्वेश्चन। अब आप देखें, मैं आपको पूरी बात एक बार बता रहा हूं। तो अपन ने केस पढ़ा है कि जब कोई नंबर दोनों रूट्स के बीच में गिर जाता है, व्हेन अ नंबर लाइज बिटवीन दी रूट्स, तो उस केस में अपने पास केवल दो ही सिचुएशन बनती हैं। फर्स्ट सिचुएशन अपनी इसमें यह है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, एंड दी सेकेंड थिंग कि ए और एफ डी का जो प्रोडक्ट है वो आपका कैसा आता है, नेगेटिव। ये दो कंडीशन आपने लिखी है, क्योंकि ये क्वेश्चन थर्ड केस पर बेस्ड है। थर्ड में दो ही सिचुएशन बची, डिस्क्रिमिनेंट आपका ओनली ग्रेटर देन जीरो होगा और ए और एफ डी का जो प्रोडक्ट है वो आपका नेगेटिव आएगा। ठीक, तो अब देखो आप सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। ये तो क्वेश्चन के लिए एक हिंट हो गया। सबसे पहले तो अपन डायग्राम देखेंगे, ओपन अपवर्ड बनता है कि ओपन डाउनवर्ड बनता है। तो ओपन अपवर्ड बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। ए हमारा 1 है, ए का वैल्यू 1 है, 1 मतलब पॉजिटिव। तो यदि आप एक इसका रफ स्केच बनाना चाहें तो इसकी जो शेप आएंगी वो ऐसी आएंगी, ओपन अपवर्ड, और आपके रूट्स ये होंगे अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा के बीच में 1 लाई करता है, ये क्वेश्चन में आपको बोला है, ये है हमारा नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया था। अब मैं ये कंडीशन दोनों अप्लाई कर देता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन में लगा रहा हूँ कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है क्वाड्रेटिक में, -3, तो -3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, सी का वैल्यू कितना है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9-4a ग्रेटर देन जीरो, 4a को ट्रांसफर कर दिया तो 9 greater than 4a, तो यहां से 4 से डिवाइड करोगे तो 9/4 less than, ये केस आपको मिल गया। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, a की वैल्यू जो है वो 9/4 से छोटी आई। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड केस मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, ए इंटू एफ डी का प्रोडक्ट, ये आपका नेगेटिव आता है। अब ये तो आपको पता है कि ए का वैल्यू 1 है और एफ डी, यहां पर डी आपको 1 दिया है, तो 1 पे अपने क्वाड्रेटिक की वैल्यू, तो इस क्वाड्रेटिक में x की जगह पर 1 पर वैल्यू निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर -3 times of 1 + e, ये आपका कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सॉल्व करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो हट गया, तो ये कितना आता है, 1 - 3 + a < 0, मतलब -2 + a < 0, तो a लेस देन कितना हो जाएगा, 2। ये सेकंड केस है। अब आपको बताना इन दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी है। ये जो आपको आया था a लेस देन 9/4 था और a लेस देन 2 है, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं, ऐसी वैल्यूज जो इसको भी सेटिस्फाई करें और इसको भी सेटिस्फाई करें। तो दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी होंगी, a लेस देन 2, ये वाली, ये कंडीशन जो है वो दोनों को, इसको भी सेटिस्फाई करती है और इसको भी, क्योंकि 9/4 का मतलब क्या होता है, 9/4 जो है वो मोर देन 2 होगा, 9/4 का जो वैल्यू है वो मोर देन 2 आता है ना, क्योंकि 4 2 = 2 point something आएगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि a का वैल्यू 2 point something से छोटा है, और यहाँ पर वैल्यू मैं बोल रहा हूँ a का वैल्यू 2 से छोटा है,
तो 2.1 से छोटे में ये नंबर ऑलरेडी आ जाएंगे। कहने का मतलब ये जो a लेस देन 2 है, ये कंडीशन इसको भी और इसको भी दोनों को सेटिस्फाई करेगी। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। सो दिस इज योर आंसर, a की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से सर 2 तक। हाँ बोलो सर, जो इस बाजू में ए एफ डी वॉल लिखा है, तो फिर उसमें वो वाला नहीं समझा सर। डी डी का वैल्यू यहाँ पर 1 है। हाँ तो यहाँ पर अपन डी की जगह पर कितना लिखेंगे, 1। मतलब आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 पे निकालनी। तो हमने इसमें x की जगह पर 1 लिख दिया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस ए, ये आ गया। ठीक है, अभी समझ गया। चल इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। तो हाँ बोलो बेटा। सर सर अपने को पता कैसे चलेगा कि कौन सी केस लगानी है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये पढ़ के लगेगा ना, इसका मतलब हो गया दोनों रूट्स के बीच में नंबर लाई कर रहा है। यदि आपको बोला जाएगा कि दोनों रूट्स 1 से बड़े हैं तो फिर फर्स्ट केस लगाएंगे, जब बोलेंगे दोनों रूट 1 से छोटे हैं तो सेकंड केस लगाएंगे, जब बोलेंगे दोनों रूट्स के बीच में नंबर आ रहा है तो थर्ड केस लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है, क्वेश्चन में है ना अलग अलग सिचुएशन, अपन ने इसलिए तो नाम से लिखी है सिचुएशन। समझ गया किशन? यस सर। ओके चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूं, ठीक है, आप और ध्यान से समझ लो। दो तीन क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर आपको गिवन है 4x² - 16x प्लस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। 4x² - 16x प्लस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो सच दैट। अब आपको दिया है कि अल्फा जो है वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है और बीटा जो है वो 2 और 3 के बीच में आ रहा है। दो दो कंडीशंस मैंने एक साथ डाल दिया। ये अपनी फोर्थ सिचुएशन है, व्हेन एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल। सो 1 < α < 2, 2 < α < 3 देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ लैम्डा, देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी? आपके ऑप्शन है 5, 6, 2 या फिर 3। 5, 6, 2 और 3 दे आर दी ऑप्शंस। तो अब आप देखो यहां पर कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात आपको ये बोला है कि एग्जैक्टली ये उस कंडीशन पर बेस्ड है, एग्जैक्टली रूट, ठीक है, फर्स्ट केस में आपने पढ़ा था कि दोनों रूट किसी नंबर से बड़े हैं, फिर दोनों रूट किसी नंबर से छोटे हैं, फिर दोनों रूट के बीच में कोई नंबर आ रहा है, और फोर्थ सिचुएशन में रूट कोई दो नंबर के बीच में आ रहा है। तो ये वही कंडीशन है,
यहाँ पर रूट दो नंबर वन और टू के बीच में और वो टू और थ्री के बीच में आ रहा, मतलब एक यदि मैं डायग्राम बनाऊ रफ तो आप देखोगे ग्राफ ओपन अपवर्ड बनेगा, क्यों? क्योंकि ए हमारा पॉजिटिव है, फोर दिया है ए का वैल्यू, ए फोर है और ए फोर है मतलब पॉजिटिव है, तो ओपन अपवर्ड बना दिया। अब यदि ये आपका अल्फा है तो आपको बोला है कि अल्फा आपका किस किस के बीच में लाई कर रहा है, अल्फा आपका वन और टू के बीच में लाई कर रहा है, और बीटा, बीटा आपको किस किस के बीच में लाई करके दिया है, तो बीटा आपको लाई करके दिया है टू और थ्री के बीच में, ठीक है। ये सिचुएशन आपको दी है, तो ये किस पर बेस्ड हो गया कंडीशन, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल। तो जब एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल होता है तो फिर आपने कंडीशन क्या पढ़ी है कि आपका जो सबसे पहली बार डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो को, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कितना आएगा 16 का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac करोगे तो कितना आएगा 16 लैम्डा 4ac, ठीक है 16 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा अंदर 16 माइनस लैम्डा, ये 16 को जीरो के अपॉन में पटक दीजिए तो 16 माइनस लैम्डा, तो यहां से लैम्डा का वैल्यू जो है वो कितना आ जाता, लेस देन 16। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि लैम्डा 16 से छोटा आता है, लैम्डा इज लेस देन 16 का स्क्वायर तो दिया है। क्या बोले, माइनस 16 का बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है माइनस 16, बी की वैल्यू माइनस 16 है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 16 का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो बी स्क्वायर ले आया उसको। चलिए तो डी ग्रेटर देन जीरो हो गया, ये पहली कंडीशन होती है। और जब एग्जैक्टली वन रूट, फोर्थ केस आप देखोगे एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल होता है तो फिर आपने कंडीशन लिखा है वहां पर कि K1 पर और K2 पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, ठीक है। तो अब वो मैं ले लेता हूं यहां पर, ये कंडीशन आपने लिखी थी दूसरी कि FK1 और FK2 का प्रोडक्ट कैसा आता है, नेगेटिव आता है, तो ले लीजिए K1 हमारा यहां पर। अब मैं देखिए दो बार लगेगा ये कंडीशन क्योंकि मेरे को दोनों रूट्स पे रिस्ट्रिक्शन डाला है, वन अल्फा पे भी डाला और बीटा पे भी डाला, तो मैं पहले इसकी कंडीशन ले रहा हूँ। तो K1 हमारा क्या हो गया 1 और K2 का वैल्यू क्या हो गया 2, तो मतलब कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पर कि 1 पर अपने क्वाड्रेटिक की वैल्यू और 2 पर क्वाड्रेटिक की वैल्यू का प्रोडक्ट कैसा आएगा, लेस देन 0। अब निकालिए 1 पर, तो x की जगह पर 1 डालेंगे तो ये कितना आएगा 4 माइनस 16 प्लस लैम्डा, 4 माइनस 16 प्लस लैम्डा, और 2 पर निकालिए वैल्यू, x की जगह पर 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 4 जा कितना आ जाएगा 16, यहां पर कितना आएगा 32 और ये कितना आएगा लैम्डा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा, लैम्डा माइनस 12 और ये कितना आएगा लैम्डा माइनस 16 लेस देन 0, और ये तो अपन सॉल्व करना जानते हैं, अभी तक वीवी कर मेथड आप पढ़ रहे थे, रूट्स क्या है 12 और 16, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव, हमको कैसा चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ पर है, क्या मिली अपन को वैल्यू लैम्डा की, लैम्डा आपको मिला 12 से लेके 16 तक, ठीक है। ये अपना सेकेंड केस आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, यहाँ पे बोला था लैम्डा लेस देन 16, यहाँ अपनी कंडीशन आई कि लैम्डा 12 और 16 के बीच में होगा। अब अपन थर्ड केस सॉल्व करते हैं, तो थर्ड केस क्या है आपका, क्योंकि बीटा पे रिस्ट्रिक्शन है, बीटा किस किस के बीच में लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में, और जब एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल हो तो अपन ये जानते हैं कि इसके लिए कंडीशन आपकी क्या आएंगी, K1 और K2 पे वैल्यू का प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। यही कंडीशन लगेगी, FK1 और FK2 का प्रोडक्ट कैसा आएगा,
नेगेटिव आएगा। अब आपका यहाँ पर K1 कितना हो जाएगा 2 और K3 कितना हो जाएगा 3। K1 पर वैल्यू 2 पर वैल्यू निकालो, 2 पर वैल्यू अभी अपन ने लिखी थी कितनी आई थी, ये लैम्डा माइनस 16, ऐसे ही लिख लो पहले तो 16 माइनस 32 प्लस लैम्डा। और अब 3 पे वैल्यू निकालोगे तो 3 जा 9 पो जा 36 माइनस 48, 36 माइनस 48 प्लस लैम्डा लेस देन 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लैम्डा माइनस 16, लैम्डा माइनस 12 लेस देन 0, मतलब फिर से यही बन गया, फिर से वही सेम नंबर लाइन बनेगी, वही रूट्स आएंगे 12 और 16, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको कैसा चाहिए नेगेटिव। तो यहाँ पे भी लैम्डा बिलोंग्स टू कितना आएगा 12 से लेके 16 तक। ये अपना थर्ड केस बना, तीनों सॉल्व हो गए वो अपने 1 2 3। और अब आप देखो इन तीनों में मोस्ट कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं जो तीनों को सेटिस्फाई करेंगी, तो वो यही है 12 to 16। 12 to 16 इसमें भी आ रहा, 12 to 16 इसमें भी आ रहा, 12 to 16 इसमें भी आ रहा, तो तीनों में मोस्ट कॉमन वैल्यूज क्या होंगी 12 to 16। लैम्डा हमारा किसमें बिलोंग किया 12 to 16। अब आप मेरे को ये बताओ कि 12 से 16 के बीच में कितने इंटीजर वैल्यूज हैं, तो तीन ही इंटीजर वैल्यूज हैं, है ना, 13 14 और 15। अपन को वही पूछा था कि कितनी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आई, 3 आई, तो करेक्ट आंसर इज 3, 3 इज आवर करेक्ट आंसर। तो टेक इट स्क्रीनशॉट, कहीं पर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये है यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में इनका जो कंडीशंस आपने पढ़ी। यदि है आप एक दो बार इसको और घर में बैठ के आराम से रिवाइज करिए, ठीक है, वो टू को इक्वेशन से मल्टीप्लाई किए। हाँ, टू पर वैल्यू निकालना होती है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार घर में बैठ के आराम से रिवाइज कर लो, अभी कुछ लगेगा तो अपन कल और इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चारों कंडीशन रिवाइज करिए, अपन ने करीबन कुछ 3-4 क्वेश्चन इस पे बनाए हैं, 4 कंडीशन पढ़ी, 4 केस पढ़े, 4 क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। तो पिछले 2 दिन में जो भी पढ़ा उसको आप एक बार रिवाइज कर लो, उसके डाउट्स निकाल लो, और जो भी आएगा उसको कल पूछ लीजिएगा, कल अपन इस पे और डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। बाय एवरीवन, बाय सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर, बाय एवरीवन, बाय।